सदर मोहतरम अजीजादे मिल्लत चमनिस्तान सर सैयद के सिपाहियों और मुस्तकबिल के मेहमान, मैं आज बहुत ही खुश हूँ और इस शुक्रगुजारी का गुलदस्ता अली सोसाइटी के मेम्बरान को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का मौका इनायत फरमाया, और मैं उनकी सोच को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की इस हालत ज़ार पर गौर व फिक्र किया और उसके इस्तेदराक के लिए ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जिसकी सदाकत, शुजात और बहादुरी, जवाबमर्दी, पाकदामनी पर तमाम का इत्तेहाद और इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हजरात हों या सुन्नी मुसलमान। लिहाजा मुझे ये कहते हुए जरा भी तामुल नहीं हो रहा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तमाम मुसलमान फिरकों के लिए नुक्ता इश्तराक और संगम और मुसलमानों के दरमियान बैना इत्तेहादिल मुस्लिमीन का सरचश्मा है। अजीजों, बड़ा दुख होता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है जब हालत हाजरा का मुशाहिदा करता हूँ, तो देखता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का लहू इतना आजा व सस्ता हो गया है, जानवरों से भी ज्यादा सस्ता हो गया है कि जानवरों की हिफाजत के लिए कवानी और जवाबी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मत के खातिर, हमारे इन नौजवानों के खातिर माओ बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, हमारे मुसलमानों के को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, लेकिन आज इनका कोई मुसाने हाल नहीं है। आज वो माओ बहने जिनको कभी आफ्ताब मेहताब ने भी नहीं देखा था, लेकिन हालात ने उन्हें इतना मजबूर बना दिया है कि वो सड़कों पर अल-अमीन, अल-अमान वल हबीब, पीस और शांति की सदाएं लगा रही हैं, दुहाइयां दे रही हैं, लेकिन कोई भी, चाहे वो आलमी इदारा यूनाइटेड नेशन हो या इसके अलावा दिगर दूसरी तंजीमें जो वुमेन फंडामेंटल राइट्स का दावा करती हैं, सब सुम्मुन बुक्कुन उमीन पहुंगा या रमून की तकरीर बन गए हैं। साथियों, यही पर है आज उम्मत 100 साल से भी ज्यादा वक्फा हो गया है, एक मिसाली कायद 40 साल कायद से खाली है, लेकिन अफसोस होता है इस उम्मत के उलमाए किराम पर, दानिशवरान पर, मुफक्किरीन पर, जो आज भी इस बात में लगे हुए हैं कि आया का हुआ हलाल है या हराम। बताइए, होना तो ये चाहिए था आपसे इख्तलाफात को भुलाया जाता, भाई भाई बन जाते, अल-मुमिनून अल-मुमिन, साथियों ये होना चाहिए था, इन्नम अल-मुमिनून, कि मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं, लेकिन नहीं, आज एक दूसरे के ऊपर तानो तशबीह कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू फी रस्सी को अपना जेवर बनाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था उस जवाब को आज दुनिया को फिर से उस जवाब देना चाहिए था जब एक रूमी ईसाई बादशाह ने एक बाली मुसलमान को हजरत अली के खिलाफ मदद की पेशकश की, तो उस अमीर ने कहा था कि आए रूमी कुत्ते सुन ले, अगर तू ये चाहता है कि मैं अपने भाई अली के खिलाफ हो जाऊं और हमारे आपसे इख्तलाफात का फायदा उठाना चाहता है तो सुन ले, अगर अली के कायदत के अंदर कोई लश्कर निकलता है तो उस लश्कर का जरा सिपाही होगा, अली उसके कायद होंगे। हजरत अली की कायदत को दुनिया तस्लीम करती है, सलाम पेश करती है, मिल्लत इस्लामिया के सरहदे दिलो और आखिरी मरकज। आज उम्मत मुस्लिमा अली जैसे इंसाफ परवर, सादिक, अमीन जैसे हाकिम की मुतलाशी है। साथियों, जो उनको मुतलाशी है, जो उनको राह हक पर ले जा सके, उन्हें बता सके, लड़ना के लिए लड़ना वाला हो, तो इसलिए जरूरी है अली की जात मोहब्बत रसूल में शर्शा नजर आती है, अली की जात अल्लाह की राह में नजर आती है, जब अल्लाह के लिए जरूरी होता है तो नबी की जबान से जिसका नाम आता है ताबूत का किला पता करने के लिए, तो अली की जात होती है। अली जैसा पाक दामन हमें लीडर चाहिए, वो अली है कि जब वो मक्का से मदीना जाता है हिजरत करके, जब अली की उमंगों ने अरमाने अंगड़ाइयां ले रही हैं, सैयदुन निसा हजरत फातिमा की जात पसंद आती है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं कि जिस पर इस्लामी तारीख पर हाथ आए, मोहतरम सादिक बड़ी इज्जत के साथ सैयद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत पैगाम निकाह पहुंचाते हैं, लेकिन आज हमारे लीडरों का हाल यह है कि लीडर वो माना जाता है जो कायम की दुनिया का बेताज बादशाह हो। साथियों, यही नहीं, हजरत आखिर में दुआ है कि
मारे लहा हमारे कौम के अंदर कौम पस्ती की तरफ जा रही है। अली जैसा आए थे न्याय फरमा। आमीन सुम आमीन। वाकई अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।